हे गाइस, मैं आरती आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ दो हेल्दी वेट लॉस रेसिपीज जिसे आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में और ऐसे स्नैक्स की तरह ले सकते हैं। इन दोनों ही रेसिपी को बनाने के लिए आपको कुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, गैस जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इजी टू प्रिपेयर क्विक रेसिपीज हैं एंड सुपर ऊपर हेल्दी एंड यमी हैं। तो मैं आपको दो तरह से ये रेसिपी बताने वाली हूँ, आपका जिस तरह से मन करे आप इसको ले सकते हैं। और इस रेसिपी से रिलेटेड जितने इन्ग्रीडियंट हैं, कैलोरी काउंट, इन सभी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना आप ना भूलें। तो आइए रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों ही रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ पोहा का इस्तेमाल करके। पोहा रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन की भी अच्छी इसमें मात्रा पाई जाती है और ये इजीली आपको हर जगह मिल जाएगा, लो कॉस्ट का भी होता है। तो यहाँ पे 30 ग्राम मैंने ये लिया है, सिंगल सर्विंग में शेयर कर रही हूँ, फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक फैट बर्निंग ड्रिंक भी बताने वाली हूँ कि आप क्या पीकर आपकी जो बेली फैट है उसको आप कम कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पोहे को हम अच्छे से धो लेंगे। इसे चूरा, पोहा या फिर आप फ्लैटेंड राइस के नाम से जानते होंगे। इस पानी को हमें निकाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से निकाल दिया है। अब हमें इसमें ऐड करनी है अपने मनपसंद की सब्जियाँ। तो मैं यहाँ पे जो सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ आपको बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी में है। यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच प्याज लिए हैं, थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ लास्ट में गार्निशिंग के लिए। दो बड़े चम्मच मैंने टमाटर लिए हैं और यहाँ पर मैंने ये 5 से 6 बड़े चम्मच तक आप खीरा ले लीजिएगा, छोटा छोटा कट करके। ये काफ़ी हमें हाइड्रेट रखता है और लो इन कैलोरी होता है और गर्मियों के लिए काफ़ी परफेक्ट है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिना गैस जलाए हम पोहा की रेसिपी बना रहे हैं जो कि सुपर डुपर हेल्दी है। इसमें आपको अराउंड 175 कैलोरीज मिल रही हैं, 5 ग्राम के आसपास आपको इसमें प्रोटीन मिल रहा है। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, या तो आप इसको सैलड बोल सकते हैं या पोहा बोल सकते हैं, या आपके माइंड में कोई और भी नाम आ रहा है इस रेसिपी के लिए तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताजे नींबू का रस, 1 चम्मच तक आप ले लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं जो कि वेट लॉस में काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, लाइक मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये नमक, पिंक सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप थोड़ा सा इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। भुने हुए जीरे का पाउडर करीब आधा छोटा चम्मच, और इसमें यहाँ पे मैंने लिया करीब 1 पिंच ही काली मिर्च का पाउडर है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये फ्रेश करी लीव्स हैं जो कि वेट लॉस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, हमारे बॉडी से जो ख़राब टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करती है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हरी धनिया, और ये मैंने यहाँ पर फ्रेश मिंट ली है, इसको मैं थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही यूनिक और सिंपल सी रेसिपी है जिसे आप अपने लंच में ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और स्नैक्स की तरह भी ले सकते हैं। और मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, तो 1 बड़ा चम्मच तक आप ऐड कर लीजिएगा। इन सभी से रिलेटेड जितनी कैलोरीज हैं मैंने मेंशन कर रखी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे चेक कीजिएगा। थोड़े से मैं ये रोस्टेड तिल ऐड कर रही हूँ सफ़ेद वाले, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और फ्लेवर देने के लिए आप ऑरिगैनो ऐड कर सकते हैं, जो पिज़्ज़ा में हम हर्ब्स ऐड करते हैं ना वो, तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हमारा बहुत ही यमी सा ये पोहा बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी है जिसे मैं लंच में और स्नैक्स की तरह लेना पसंद करती हूँ। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा हेल्दी है और कितनी झटपट बन जाती है। आपको 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इसके लिए नाम ज़रूर से सजेस्ट कीजिएगा। मेरे को इसका नाम एक तरह से पोहा सैलड, या फिर आप इसको पोहा भी बोल सकते हैं जो हम तेल वगैरह का इस्तेमाल करके बनाते हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ये हमारी एक रेसिपी बनकर तैयार है, इसको हम इसमें सर्व कर लेते हैं एक अलग से बाउल में। ये सिंगल सर्विंग रेसिपी है, आप चाहें तो 2 लोगों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें आपको 175 अराउंड कैलोरीज मिल रही हैं। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक पम्पकिन सीड्स वगैरह भी इसमें ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अच्छे से सर्व कर दिया है और इसके ऊपर से मैं थोड़े से ये रोस्टेड पीनट्स और ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हरी धनिया ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज, मिंट लीव्स और ये कुकुम्बर, टमाटर, प्याज। तो ये हमारी हेल्दी सी एक मील बनकर तैयार है जो कि आप लंच में, ब्रेकफास्ट में और स्नैक्स की तरह ले सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो अब बारी आती है सेकेंड रेसिपी की, जिसमें आपको अराउंड 280 कैलोरीज मिल रही हैं, 8.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है। और अगेन ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन रिच है, आपको इसमें प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स मिल रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी न्यू हर्ब्स की ग्रीन कॉफ़ी से, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी वेट लॉस में। अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये एक फैट बर्निंग ड्रिंक है जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, और इतना ही नहीं न्यू हर्ब्स की ग्रीन कॉफ़ी नेचुरल है और इसको बिना रोस्ट किए हुए बीन से बनाया जाता है। न्यू हर्ब्स की ग्रीन कॉफ़ी मेटल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट को पास करके हमारे पास आती है। तो अब फटाफट से मैं आपको ग्रीन कॉफ़ी के वेट लॉस बेनिफिट्स बता देती हूँ। ग्रीन कॉफ़ी वेट मैनेजमेंट में मदद करती है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करती है, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करती है, और ग्रीन कॉफ़ी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। ग्रीन कॉफ़ी के और भी कई सारे अनेक फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना के दूंगी कि ये कैसे हेल्प करता है। तो अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ग्रीन कॉफ़ी को ऐड कर सकते हैं। इसको लेना कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप हर दिन एक कप ग्रीन कॉफ़ी को अपने हैवी मील से 30 मिनट पहले डेली सुबह और शाम में ले सकते हैं। ये आपको नेचुरली मदद करेगा का वेट लॉस करने में। मैंने पर्सनली न्यू हर्ब्स की ग्रीन कॉफी को यूज किया है और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। ये इजीली आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और इनकी वेबसाइट www.newherbs.com पर आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अगेन 30 ग्राम पोहा लिया है, इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। पानी को हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा वॉश कर लेंगे और ये पानी हमें फिर से निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पोहा के पानी को निकाल दिया है। अब हमें लेना है एक अलग से बर्तन और उसके अंदर हम इसको इस तरीके से एक प्लेट में या बाउल में आप ले सकते हैं फैला देंगे। इस रेसिपी में आपको 280 अराउंड कैलोरीज मिल रही हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये ब्रेकफास्ट के लिए। आपका पेट काफ़ी अच्छे से भर जाएगा, आपको कई तरह के अच्छे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मिल रहे हैं, और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं दही का, जिससे आपको प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, रिच इन कैल्शियम होती है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। अगर आप अपनी वेट लॉस डाइट में हैं और अपनी डाइट में आप दही नहीं ले रहे हैं तो आप दही को इंक्लूड कीजिए। अगर आप दही नहीं ले सकते, किसी वजह से आपको ये नुकसान करती है, तो आप पपीते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा तो हमें वेट लॉस में वो ईजिली अच्छे से मतलब हेल्प नहीं करता है। तो डाइजेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने दही को इस तरीके से ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़ा चम्मच ये सोक्ड चिया सीड्स। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, गर्मियों में चिया सीड्स काफ़ी हेल्दी होते हैं, हमें हाइड्रेट रखते हैं, रिच इन प्रोटीन होते हैं और वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। अब मैं इसमें ऐड करूँ यहाँ पे गुड़ का, मैंने यहाँ पे गुड़ को ये क्रश किया है, 2 छोटे चम्मच मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे हनी ऐड कर सकते हैं या फिर आप डेट्स ऐड कर सकते हैं, मेपल सिरप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गुड़ ऐड कर रही हूँ, मुझे गुड़ का फ्लेवर काफ़ी पसंद है इसलिए। अब यहाँ पे मैंने एक एप्पल लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम एप्पल लूँगी, जिसको मैं छोटा छोटा कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एप्पल को कट कर लिया इस तरीके से, छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिएगा, खाने में आसानी रहती है। और यहाँ पे मैंने आपको दही नहीं बताया कितना मैंने लिया था, यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून लो फैट कर्ड ली थी, फ्रेश दही का आप इस्तेमाल करें। इसके ऊपर हम इस तरीके से एप्पल को डाल देंगे, ये एप्पल को मैंने डाल दिया। और अब यहाँ पे मैंने ये 5 बादाम भिगोए थे रात भर और इनको बीच से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, इसको भी हमें इसके ऊपर ऐड करना है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़े से सीड्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गया, पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया। मैं यहाँ पे थोड़े से सनफ्लावर और पम्पकिन सीड्स इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। बस हमारा बेहद टेस्टी, बहुत ही यम्मी और काफ़ी फिलिंग सा ये ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। आप देखकर इसको भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा हेल्दी है और यम्मी है। तो ये रही वो फर्स्ट मील जिसे मैंने पहले आपको बनाकर दिखाया था। तो आप दोनों ही देख सकते हैं, काफ़ी यमी है, काफ़ी हेल्दी और दोनों ही मुझे बेहद पसंद है। ये अगर आप चाहें तो लंच में ले सकते हैं, जो कि सॉल्टेड वाली है, और ये ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी परफेक्ट है एंड काफ़ी फिलिंग है। तो आप प्लीज़ इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो मैं आपको जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी, रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।